वेलकम टू आवर व्लॉग। तो आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आज का टॉपिक जो है हाउ टू बैकपैक फॉर टू पीपल इन अ सिंगल बैग। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि हम क्या क्या सामान अपने साथ ले जाते हैं और क्या क्या एसेंशियल्स जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग में हमने जो क्लोथ्स लिए हैं हमने 4 टी शर्ट्स और 2 ट्रैक पैंट्स लिए हैं जो कि हम इस बैकपैक में ले जाएंगे। 2 जैकेट्स हमने लिया है, 1 टॉवल, साथ में हमने लिए हैं 2 स्लीपर्स। हमने अपने साथ लिए हैं पावर बैंक, 2 पावर बैंक लिए हैं जो कि काफ़ी सफिशिएंट है 2 दिन की कैंपिंग के लिए। आप अपना मोबाइल चार्ज करके ले जाइए, बाकी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमने चार्जर लिया है, यहाँ पे हमने लिए हैं 2 कैंपिंग लैम्प जो कि BL40, हमने ये डिकैथलन से खरीदे हैं। इसको आप कैंप में ऐसे हैंग भी कर सकते हैं इनसाइड, या आप बाहर भी हैंग कर सकते हैं, ये ऐसे टक इन हो जाता है। इसके साथ हमने A4 साइज़ की 4 बैटरीज ली है। हमने हेड लैम्प लिया है, ये हेड लैम्प भी हमने डिकैथलन से लिया है, ये हमें 399 का पड़ा। और ये जो हमें कैंपिंग लैम्प है ये 1499 की हमें पड़ी, तो लगभग ये अराउंड हमें 1000 रुपीज़ की। दोनों बैटरीज हमने एक्स्ट्रा खरीदी है इसमें। आ जाते हैं हम अपने एसेंशियल्स पे, डेली एसेंशियल्स पे। इसमें हमने अपने टूथब्रश रख लिए हैं, एक टूथपेस्ट रख लिया है, हैंड वॉश रख लिया है और बॉडी वॉश रख लिया है। बॉडी वॉश की हो सके जितनी छोटी हो सकती है उतना छोटी, अगर 2 दिन की कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो इतनी बॉटल्स सफिशेंट होती है। यहाँ पे हमारा डेली यूज़, इसमें से मैं तो सिर्फ लिप बाम यूज़ करता हूँ, बाकी ये मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र रोज़ यूज़ करती है। ये आपका सन ब्लैक SPF, आप साथ में हैंड सैनिटाइज़र ले जाएं, ये एसेंशियल है बहुत ज़्यादा। और ये एक सैनिटाइज़र आप अपने साथ ले जाएं। कुकिंग करनी है उसके लिए ऐसे 2 बॉक्सेस ले जाएं, इसमें आप अपने एसेंशियल कुछ मसाले वगैरह, छोटे मसाले लाइक, और छोटे छोटे डब्बे भी आते हैं वो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ऐसे 2 ग्लासेस लिए हैं, अभी फ़िलहाल 1 ही ग्लास है। हमने इसमें नाइफ लिया है, 1 स्पून लिया है और 1 ये पलटा लिया। हमने ये डिकैथलन से लिया है कैंपिंग कुक सेट, ये बहुत पोर्टेबल है, आपको छोटा सा नज़र आ रहा है बट ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। ये 1.6 लीटर का है, सेंट फॉर 2 पीपल। इसमें आपको एक ऐसा बाउल प्लस कुछ स्पून, नाइफ और 1 स्पून मिल जाता है। ये हमने 1299 का डिकैथलन से लिया था। इसके साथ हम ले जा रहे हैं 1 मिल्टन की बॉटल जिसमें हम मिल्क या वाटर, गर्म चाय या कॉफ़ी इसमें ले जा सकते हैं। हमने यहीं से ली थी, अराउंड हमें 799-800 की पड़ी थी। यहाँ आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कुकिंग स्टोव। हम ब्यूटेन खरीदने गए थे बट हमें ब्यूटेन मिला नहीं। जब हम कनकपुरा की कैंपिंग पे गए थे तो हमें ब्यूटेन, हमने हर जगह ढूंढा बट हमें ब्यूटेन नहीं मिला, तो हमने ये वाला एक छोटा सा पोर्टेबल सिलेंडर गैस स्टोव, इसके ऊपर ही है ये, हमने ले लिया। इसमें 2 kg गैस आती है, राइट। तो आप ये ले जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये इसमें कैसे आएगा, आपको दिखाएंगे कि ये भी इसके अंदर जाएगा। ये सारा सामान इस बैकपैक में हम अपने साथ ले जाने वाले हैं। आपको नहीं भूलना है, आप अपने साथ मैच स्टिक या ऐसे लाइटर। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कैंपिंग के लिए वो है हमारा टेंट। लगभग 3000 रुपये का हमने ये कैंप लिया है, 2 पीपल टेंट है ये, और बहुत अच्छा टेंट है। हमने इसे कनकपुरा में कैंपिंग में ये यूज़ किया था। हमने ये 2 अपने साथ अपने लिए, ये 2 स्लीपिंग बैग लिए हैं, ये भी डिकैथलन से हमने लिए। बात करते हैं अब इस बैग की। सो ये 50 लीटर का 4 क्लास बैग, इसमें हम अपना सारा सामान ले जाते हैं, हमेशा ले जाते हैं। और हम कैसे पैक करते हैं वो अब आपको हम इसमें बताते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं हम इस बैग की जो कि 50 लीटर्स का बैग है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है इसका फ्रंट, क्योंकि ये बैग सिर्फ ऊपर से ही नहीं, लाइक दिस साइड से, इस साइड से ही नहीं, ये आपका फ्रंट साइड से भी ये बैग खुल जाता है। ये जो है बैग में अंदर भी पॉकेट्स हैं, इसमें आप अपना एसेंशियल्स रख सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है। बैग में आपको साइड पॉकेट भी मिलती हैं, ये साइड पॉकेट्स जो कि काफ़ी स्पेशियस है, इधर दोनों साइड आपको पॉकेट्स मिल जाते हैं। प्लस इसमें आपको ऊपर की साइड भी एक जिप है, यहाँ पे ऊपर की साइड में भी स्पेस मिलती है। आप अपना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि आपको बार बार यूज़ में आने वाली चीज़ है वो आप ऊपर रख सकते हैं। बाकी बैक साइड की बात करूँ तो इसमें काफ़ी अच्छा फोम दे रखा है। हम कनकपुरा गए थे तो हमें बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि इसमें हमने 50 kg का जो बैग है, अराउंड हमने 30-35 kg ऑलरेडी इसमें था, बट हमें ऐसा लगा नहीं कि हमने 35 kg हमने अपने बैग पे उठा रखा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पैकिंग शुरू करते हैं अपनी।
पैकिंग स्टार्ट करते हैं इस बड़े बैग में। तो हम बैग को अभी स्ट्रेट रख देते हैं ताकि आपको सारा सामान। ये हमारा इसमें आ गया सिलेंडर, हमारे बैग जो स्लीपिंग बैग्स हैं वो बैग के बिल्कुल साइड में आ गए हैं। अब आप टेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब ये टेंट हम इसके लिए कहाँ पे जगह दी है ये आप देख सकते हैं। दो स्ट्रैप्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप्स हैं, इसको आपने इधर रोल करना। आपका बैकपैक जो है वो रेडी हो गया है, राइट। इजीली अपने बैग पे स्ट्रैप है तो आप फिट करके एंड यहाँ से आप फिट कर सकते हैं। लुक, ये डिकैथलन से हमने खरीदा है। इन केस हम इसको इस लॉक में ऐसे लगते थे, इन केस बारिश होती है सो इट्स वेरी इजी। यहाँ से आपने अपना कवर निकाला एंड ये बहुत इजीली इन सेकेंड्स आप कवर को बाहर करके पूरा बैग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चैनल को लाइक भी कर दीजिए। बड़ी मेहनत से बनाई है वीडियो, पूरा 2 घंटा लगा है मुझे एंड इट्स आर लाइक फर्स्ट 10 सेकेंड व्लॉग ओनली। प्लीज सपोर्ट अस, वी नीड योर सपोर्ट एंड वील ऑल्सो गेट मोर एंड मोर कैंपिंग वीडियोज फॉर यू इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। Thank you guys. Please Thank you subscribe guys. Subscribe our channel. All right. See you in next vlog. Till then, bye-bye. Bye.